Hello everyone. I hope all of you are doing amazingly good at your respective places. अभी थोड़ा टाइम पहले ही आईसीआई ने अपने सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे. सो जिन लोगों ने सीए फाइनल क्लियर कर लिया है, आई होप यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ एज नाउ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. आप में से जिन भी लोगों ने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स पास किए हैं, आई होप ऑल ऑफ यू आर नाउ प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ योर प्रोफेशनल करियर. एंड आप में से जिन लोगों ने भी सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स के पेपर दिए हुए हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, जल्दी से आईसीआई आपका रिजल्ट भी निकालने वाला है. आई होप इट विल बी अमेजिंगली गुड, अमेजिंगली पॉजिटिव एंड यू आर एबल टू पास द एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स. अभी रिजल्ट आने के जस्ट बाद हम लोगों ने ऑनलाइन एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन की अगर आप क्लासेस लेना चाहें तो आपके पास क्या क्या मोड रहेंगे और कब कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, कैसे आपको क्लासेस अवेलेबल होंगी. उस वीडियो को अपलोड करने के बाद हमारे पास काफी क्वेरीज आई, हमारे सेंटर्स पे भी क्वेरी आई प्लस ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर पे भी क्वेरीज आई कि कौन सा मोड ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा मोड ऑप्ट नहीं करना चाहिए, क्या पिछले बैच की क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कल को नए बैच की क्लासेस लेंगे तो उसमें कौन से मोड के क्या फायदे हैं, अगर हम गूगल ड्राइव लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, फेस टू फेस लेते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं, लाइव एट होम लेते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं. हमारे डाउट्स, वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है कि भाई अगर सर मानो हम फेस टू फेस क्लासेस नहीं लेते हैं, वर्चुअल मोड में पढ़ते हैं, हमारे डाउट्स किस तरह से एड्रेस होंगे, तो उन्हीं सब चीजों के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करने आ आया हूं. तो आपके पास क्लासेस लेने के फिलहाल जो ऑप्शंस हैं, मैं एक बार उनके बारे में डिस्कस करता हूं. तो अभी हम लोगों ने सितंबर 2021 में एक बैच शुरू किया था विच वॉज फॉर मई 22 एंड नवंबर 22 एग्जाम्स, और वो बैच अभी हमने फरवरी के फर्स्ट वीक में ही फिनिश किया था. उस बैच में टोटल हमें 77 लेक्चर्स लगे इनकम टैक्स को फिनिश करने में और 34 लेक्चर्स लगे जीएसटी को फिनिश करने में. अगर आप इस बैच की क्लासेस लेते हैं जो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड मिलेंगी, तो इस बैच की क्लासेस में आपको इनकम टैक्स में नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए कोई भी अमेंडमेंट अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है. ये जो बैच था वो प्राइमरी लगाया गया था उन फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पिछली बार पेपर पास किए थे. तो इनकम टैक्स का सिलेबस जो मेरे मई में आता है वही सिलेबस मेरा नवंबर में रहता है. सो इनकम टैक्स जो मई 22 के लिए इस बैच में पढ़ाया गया वही इनकम टैक्स एज इट इज नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए भी सफाइस करेगा. सो इनकेस यू टेक दीज क्लासेस, सो आपको इनकम टैक्स में कुछ भी और अलग से करने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स 77 लेक्चर्स का जो मई 22 के लिए एप्लीकेबल है वही आपका नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल रहेगा. जीएसटी में 34 लेक्चर्स हैं और जीएसटी के जो प्रोविजंस हमने डिस्कस किए थे इस बैच में दोज वर अपडेटेड टिल 31st अक्टूबर 2021 तक की जीएसटी के अमेंडमेंट्स मई 22 एग्जाम्स में पूछी जानी थी वो इस बैच में हमने कवर की हुई है. अब जो नवंबर 22 एग्जाम्स है उसके अंदर जीएसटी के अमेंडमेंट्स आएंगे 1 नवंबर 2021 से लेके 30 अप्रैल 2022 तक के टाइम पीरियड की. तो जो 1 नवंबर 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक की अमेंडमेंट्स जो मेरे को एडिशनली करानी पड़ेगी फॉर नवंबर 22, दोस विल बी अवेलेबल टू यू थ्रू अमेंडमेंट्स. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन? द बेनिफिट ऑफ टेकिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज कि आपको सारी क्लासेस ऑलरेडी मिल जाएंगी डे वन पे ही. आपको मेरी नई क्लासेस अपलोड होने के वेट करने की जरूरत नहीं है. आप इन क्लासेस के थ्रू अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासेस देख सकते हैं. अगर आप एक दिन में एक या 1.5 क्लासेस तक देखते हैं तो आप अपनी कन्वीनियंस या अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग बैच फिनिश कर सकते हैं. लेकिन कल को आप कहते हो नहीं सर, हमें पिछले बैच की क्लासेस नहीं लेनी, हमें तो आपके नए बैच की क्लासेस लेनी है. तो जो नया बैच है वो अभी 21st फरवरी 2022 मंडे को स्टार्ट होगा. और इस बैच में आपके पास क्या टाइमिंग्स है, क्या डेज है? तो टाइमिंग्स आपके हैं 11 AM टू 2 PM और डेज आपके रहेंगे मंडे टू सैटरडे. तो 6 दिन हम पढ़ेंगे 11 से 2, 3-3 घंटे, जिसमें हमारा 15 मिनट का ब्रेक भी रहेगा. संडे कोई क्लास नहीं रहेगी टैक्स की आपकी. तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन आता है फेस टू फेस क्लासेस कहां होंगी? फेस टू फेस क्लासेस दिल्ली लक्ष्मी नगर में होंगी और साथ के साथ आपको इन क्लासेस का 25% बैकअप आपके लैपटॉप या मोबाइल पे अवेलेबल कराया जाएगा. आईजीपी की ऐप जो है वो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, उस पर 25% क्लासेस का बैकअप अवेलेबल कराया जाएगा. यानी सपोज मेरे को बैच फिनिश कराने में लगते हैं टोटल 320 आवर्स, तो 320 आवर्स में से 25% 80 आवर्स आपको बैकअप की तरह दिया जाता है. अब ये बैकअप क्यों काम, क्या किस काम के आएगा? लेट सपोज किसी ने आप फेस टू फेस क्लास अटेंड नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, या कल को अगर आपको फ्यूचर में लगते कि नहीं मेरे को एक बार ये टॉपिक दोबारा देखना है, मैं चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो आप इन 25% बैकअप को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर व्यूइंग द मिस लेक्चर्स या फिर फॉर अगेन व्यूइंग द लेक्चर जिसका पोर्शन में भी आपको अच्छे से रिकॉल नहीं हो पा रहा एट द टाइम ऑफ योर रिवीजन. सेकंड,
अगर आप डेली फेस टू फेस ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं बट आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, आप घर बैठे बैठे हमारी लाइव क्लास ले सकते हैं। जो ये क्लास चलेगी लक्ष्मी नगर में उसी टाइम पे वो आपको ऑनलाइन स्ट्रीम करके आपके घर पे भी अलाउ कीजिए, आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा, आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से घर पे क्लास देख सकते हैं। और आपके पास टोटल टू व्यूज रहेंगे, एक व्यू लाइव का और एक व्यू बाद में आपके पास रिकॉर्डेड का। इसके अलावा आपको इस बैच की क्लासेस गूगल ड्राइव पे अगर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने नंबर ऑफ व्यूज चाहिए, आपको कितना वैलिडिटी पीरियड चाहिए, आप वो वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से जो फेस टू फेस है लाइव क्लासेस है गूगल ड्राइविंग के क्या क्या फायदे हैं। सी, फेस टू फेस क्लासेस में टीचर सामने होता है और टीचर सामने होता है तो आपका जो एक फिजिकल एलिमेंट है पढ़ाई का उसकी तो बात ही क्या है। मैं भी बहुत अपने टाइम पे फेस टू फेस क्लासेस के थ्रू पढ़ा हुआ हूँ और एक सीधी सी चीज है, जब टीचर सामने पढ़ा रहा है हम चाहते हुए भी ध्यान अपना डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं और करोगे तो अलाउ नहीं करते हैं वो वाली चीज। साथ ही साथ एक डिसिप्लिन हमारे अंदर इंकल्केट रहता है कि मेरे को घर से टाइम से निकलना है ताकि मैं क्लास में टाइम पे पहुंचूं और क्लास में आप तरीके से पढ़ते हो, आपको कोई भी डाउट आए आप हाथों हाथ उसी टाइम पे टीचर से पढ़ सकते हो, आप उससे टीचर से एड्रेस भी करा सकते हो। एंड क्लास 2 बजे खत्म हो गई बट इट डज नॉट मीन दैट आई हैव लेफ्ट दिस सेंटर एट 2 PM, आई एम देयर एट दिस सेंटर इवन आफ्टर फिनिशिंग द क्लास। सो इन केस आपको अपने आपको ये दो डाउट पूछना है, सिंगल ग्रुप दें दो ग्रुप दें कैसे एग्जाम की तैयारी करें, इन सारी आपकी आगे पीछे की क्वेरीज के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल एट लक्ष्मी नगर सेंटर। सो टीचर के साथ फेस टू फेस मिलना और रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन मैनर में क्लास लगाना उसके लिए आपके पास फेस टू फेस का ऑप्शन है। बट यस वी डू अंडरस्टैंड नॉट एवरीबडी कैन ट्रैवल टू दिल्ली फॉर फेस टू फेस क्लासेस, तो वही एलिमेंट आपको घर पे भी मिल जाएगा, वही आपके डाउट्स हाथों हाथ सॉल्व हो जाएंगे इफ यू टेक लाइव क्लासेस। एंड भाई कई बार कुछ लोग कहते हैं नहीं सर मेरी इस टाइम पे ऑलरेडी क्लास है, जिस टाइम पे आप ये क्लास ले रहे हो आई एम टेकिंग ऑलरेडी सम अदर क्लास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और मे बी मेरा रेगुलर कॉलेज है दिस टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर मी, और मे बी आई लाइक टू स्टडी इन इवनिंग्स, आई वांट टू स्टडी इन द इवनिंग। सो इन दैट केस यू कैन टेक गूगल ड्राइव क्लासेस, यू कैन वॉच द क्लास एट योर टाइमिंग एट योर कन्वीनियंस। बट एक चीज है, गूगल ड्राइव अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा बिकॉज टाइमिंग आपको अपने हिसाब से सेट करना है, यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर टेकिंग द क्लासेस इन अ डिसिप्लिन मैनर एंड यू आर फिनिशिंग द क्लासेस इन अ टाइम बाउंड मैनर। ये नहीं होना चाहिए कि आप क्लासेस लेके तो बैठ गए लेकिन आपने एक हफ्ते में खाली 4 या 3 क्लासेस देखे और फिर आपको सिलेबस फिनिश करने में टाइम लग गया, ये नहीं, आपको अपनी तरफ से पूरा डिसिप्लिन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लगे हाथ एक और चीज है, अगर आप में से कोई ये कहता है कि हम अपने दोनों ग्रुप नवंबर 22 में प्लान नहीं कर रहे हैं, हम अपने दोनों ग्रुप मई 23 में देना चाहते हैं, क्या हम ये बैच ले सकते हैं? बिल्कुल आप ये बैच ले सकते हो। जो भी इनकम टैक्स और जीएसटी की अमेंडमेंट्स आएंगी वो आपको अमेंडमेंट नोट्स और अमेंडमेंट वीडियोस के थ्रू करा दी जाएगी। अमेंडमेंट नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं और अमेंडमेंट वीडियो जो है वो यूट्यूब पे शेयर कर देते हैं। आई नीड टू डू दैट सेम फॉर मई 22 अटेम्प्ट, जिन लोगों ने नवंबर 21 के हिसाब से पढ़ा था बट नाउ दे आर गिविंग देयर एग्जाम्स इन मई 22, तो उनके लिए अगले 2-3 दिनों में मेरे को अमेंडमेंट नोट्स और अमेंडमेंट वीडियोस अवेलेबल कराने ही है, तो सिमिलर तरह से आपको भी बाद में अवेलेबल करा दिए जाएंगे अगर आपका अटेम्प्ट मई 23 हुआ तो। तो ये तो हमारे पास ऑप्शंस रहे कि हम कौन-कौन से मोड से क्लासेस पढ़ सकते हैं। देखो कंटेंट सारा सेम है, फेस टू फेस में टीचर सामने है तो एक डिसिप्लिन का कंटेंट बहुत डिसिप्लिन का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, लाइव क्लासेस में भी रहता है बिकॉज आप टीचर की स्पीड के साथ साथ पढ़ते हैं, गूगल ड्राइव में थोड़ा सा आपको अपने इनके सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हमारी कितनी बुक्स है और क्या बुक्स हमें रेफर करनी है, क्या उन बुक्स के अलावा हमें आईसीआई का कंटेंट भी रेफर करना है, तो इन सारी चीजों को भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 स्टडी मटीरियल है, हमारे पास 2 तो बुक्स रहेंगी इनकम टैक्स की, एक बुक में हमारे पास रहेगी जीएसटी की और एक बुक हमारे पास रहेगी एमसीक्यूज बुकलेट। टैक्सेशन का जो पेपर है वहां पे 70% पेपर आपका सब्जेक्टिव आता है, डिस्क्रिप्टिव मैनर में आता है, 30% पेपर आपका एमसीक्यूज फॉर्म में आता है, तो आपको एमसीक्यूज बुकलेट अलग मिलेगी। अब इन बुक्स के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये जो बुक्स हैं इन बुक्स के अंदर आईसीआई का पूरा स्टडी मटेरियल तरीके से इनकॉर्पोरेटेड है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड है, पास्ट आरटीपी एमटीपी के जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी इनकॉर्पोरेटेड है, आपको आईसीआई के मटेरियल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आईसीआई के मटेरियल देखने का काम हमारा है, आपका नहीं है, ट्रस्ट अस, जो आपको क्लास में मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा अगर आप उसे भी अच्छे से कर लेते हैं आपकी स्कोर्स बहुत अच्छे आने वाले। टैक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, क्लास का मटेरियल ही कवर हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। एंड एक और चीज है, अगर टीचर के होते हुए आपको आईसीआई का मटेरियल रेफर करना है पड़ गया तो टीचर ने शायद अपना काम पूरा तरीके से नहीं किया। सो बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट, यू डू नॉट नीड टू रेफर एनी ऑफ द पास्ट आईसीआई मटीरियल, आईसीआई आरटीपी एमटीपी, दोज आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर बुक्स। हम जब बुक बनाते हैं तो हमारा बेस मटीरियल आईसीआई का मटीरियल ही रहता है। एक और चीज,
When I was a student, I used to face a problem कि मेरे को एक टॉपिक रिवाइज करने के लिए कुछ कंटेंट बुक में देखना पड़ता था, कुछ कंटेंट मेरे नोट्स में होता था, कुछ कंटेंट मेरे अलग से फ्लोचार्ट्स में होता था. तो एक ही चीज के लिए मेरे को दो तीन जगह पे देखना पड़ता था, जिससे मेरे को टॉपिक को रिवाइज करने में टाइम ज्यादा लगता था. When I started teaching after becoming a chartered accountant, मेरा इस बात पे बहुत बड़ा फोकस था कि यार ये मैं काम अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं करूंगा. मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट का एक ही सामान अलग अलग जगह पे बिखरा हो. That is why what we have done is, जो हमारी टैक्स की बुक है, अभी मेरे पास GST की बुक नहीं होगी because GST की बुक प्रिंटिंग में है. ये दो बुक हमारे पास इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स बहुत वॉल्यूमिनस होता है, वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू, और ये एक बुक हमारे पास MCA की बुकलेट है. नंबर वन, द बुक हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अ मैनर जिससे आपको बुक इंटरेस्टिंग लगे. मेरे को आपको प्रोविजंस पढ़ाने हैं, उनको समझाना है, और साथ के साथ आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप उन्हें अच्छे से याद भी कर सको. तो ये जो बुक है, इस बुक में जितने भी प्रोविजंस होते हैं ना, दे आर रिटन इन अ सिंगल साइडेड मैनर. आपके जो प्रोविजंस होते हैं वो प्रोविजंस सिंगल साइड लिखे होते हैं, एक पेज हमारा ब्लैंक होता है. क्यों ब्लैंक होता है? इस बुक के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस का जो भी मुझे आपके साथ समरी डिस्कस करनी है, फ्लोचार्ट डिस्कस करना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ या ब्लैंक पेजेस पे लिखता रहूंगा. कोई एडिशनल एग्जांपल्स लिखवाने हैं, एडिशनल समरीज देनी है, फ्लोचार्ट्स लिखवाने हैं, कोई नोटिंग करानी है, कोई मेरे को निमोनिक देना है आपको प्रोविजन को याद कराने के लिए, तो वो सब कुछ मैं साथ के ब्लैंक पेज पे कराता हूँ. इनकम टैक्स में हम अलग से रजिस्टर लगाते हैं, और उस रजिस्टर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से लिखनी है, टाइम बाउंड मैनर में किस तरह से कंप्लीट करनी है, वो सारी चीजें हम उसमें करते हैं. बट आपको जो मेन कंटेंट है, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो आपका लॉ है, जो आपकी रीजनिंग्स है, सभी एक ही बुक में रहती है. सारे फ्लो चार्ट भी हम क्लास के दौरान इसी में लिखते हैं, टॉपिक के साथ साथ लिखते हैं. इसके पर्पस, इसके पीछे रीजन क्या है? आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है टैक्स का, और आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है एग्जाम से पहले. अगर आपके एक टॉपिक पे कंटेंट चार जगह पे होगा, आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट होगे. जब आपको पता है कि आपको एक ही चीज पढ़नी है, उसी चीज पे फोकस लगाओगे. और एक और चीज होती है, आई बिलीव कि हमारी एक विजुअल मेमोरी होती है, हमें पता रहता है बुक में कहां चीजें लिखी है, क्या चीज है, उनसे आपको चीजें रिकॉल होती रहती है, और आपको रिविजन करने में आसानी होती है. दैट इज वाई वी विल स्टिक टू वन बुक ओनली, और उसी बुक के अंदर अपना सारा कंटेंट रखेंगे. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत सारी हैं, यहाँ पे ICAI के मटेरियल की भी है, एज आई सेड पास्ट RTP MTP की भी है, और कुछ सेल्फ मेड प्रॉब्लम्स भी है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो लॉ बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड दोनों तरीके से कवर हो जाए. हम प्रोविजंस भी ढंग से पढ़ेंगे और साथ के साथ उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, और क्लास के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का आंसर लिखना भी सीखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कैसे आंसर्स अच्छे से लिखने हैं एग्जाम में. जो आपकी जीएसटी की बुक है, जीएसटी की बुक में तो आपको रजिस्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है. मेरे पास जीएसटी की बुक अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बिकॉज एज आई सेड बुक प्रिंटिंग में है, अभी अपडेशन होने के लिए गई है. मैं आपको दिखाता हूँ, जीएसटी की बुक इज अ मल्टी कलर्ड बुक. जीएसटी थोड़ा सा थ्योरी होता है, तो टू मेक इट इंटरेस्टिंग वी हैव मेड अ मल्टी कलर्ड बुक, ताकि वो आपको पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आए. वी हैव इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ इमेजेस ओवर हियर. एंड ये बुक भी जो है वो सिंगल साइडेड फॉर्म में होती है. यू कैन मेक ऑल योर नोटिंग्स अलोंग साइड द पेज. जैसे पूरा पेज ब्लैंक होता है, यहाँ पे आप साथ के साथ चीजें नोट करते रहते हैं. द पर्पस इज सिंपल, कि जब आप रिवाइज करने बैठे तो आपको तीन जगह से, चार जगह से कंटेंट ना देखना पड़े, आपके पास सारा एप्लीकेबल या रेलिवेंट कंटेंट एक ही जगह पे हो. तो ये आपकी गई इनकम टैक्स और जीएसटी की बुक की बात. इसके साथ साथ फिर आपके पास एक आती है एमसीक्यू की बुक. ये जो एमसीक्यू की बुक है, ये एमसीक्यू की बुक जो मैंने बताया, इसके अंदर आपके इंडिविजुअल चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं, और साथ के साथ आपके पास केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी है. व्हाट आर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज? केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, इसके पूरे सिलेबस के ऊपर एक केस स्टडी दी होती है, और उसके बेसिस पे एमसीक्यू होते हैं. तो बुक ज्यादा मोटी नहीं है, ये थोड़ी पतली सी बुक है. इस बुक के अंदर आपको इनकम टैक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और जीएसटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्लस उसके बाद आपको इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों पे केस स्टडीज भी मिलेगी एमसीक्यूज की. नेक्स्ट, इसके बाद सवाल ये उठता है कि सर डाउट्स कैसे होंगे सॉल्व? हम तो फेस टू फेस नहीं आ पा रहे, डाउट्स कैसे होंगे सॉल्व? वी एग्री, टैक्सेशन इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्सेशन में गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लाती रहती है, प्लस पढ़ने के दौरान भी हमें डाउट्स आते रहते हैं, तो डाउट्स का क्या होगा? देखो यार, हमारा जो टीचिंग पैटर्न है वो कोई शॉर्टकट तो है नहीं. हम कोई ऊपर ऊपर से पढ़ाते नहीं है, हम आपको चीज बहुत तरीके से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ाते हैं, ताकि वो आपको अच्छे से समझ आए. प्रोविजन को डिस्कस करते टाइम पे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस को हम डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू आपके मैक्सिमम व्हाट इफ सिनेरियोस तो ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, कि ऐसा होगा तो क्या हुआ, ऐसा होगा तो क्या होगा, वो तो हमारे प्रोविजंस के दौरान ही डिस्कस हो जाता है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट्स तो प्रोविजंस के साथ ही इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. मोर ओवर, जो आज हमने कंटेंट किया उसको हम अगली क्लास में रिवाइज करते हैं. जब अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, जो भी आपको घर पे डाउट्स आए होंगे वो अगले दिन ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाते हैं रिविजन के दौरान. लेकिन हाँ, आई स्टिल अग्री, उसके बाद भी डाउट्स हो सकते हैं.
तो उसके बाद अगर आपको डाउट्स है, अगर आप फेस टू फेस क्लास लगे या लाइव एट होम क्लास लगे, क्लास फिनिश होने के बाद आई ऑलवेज गिव 15-20 मिनट्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि भाई आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ लीजिए. बट यस, नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू अटेंड द क्लासेस इन फेस टू फेस और लाइव मोड. देयर आर स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द क्लासेस इन पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव मोड ऑल्सो. तो उसके लिए फिर आपको एक व्हाट्सएप का क्वेरी नंबर दिया जाता है. वो व्हाट्सएप का क्वेरी नंबर इज गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड दैट दे आर रजिस्टर्ड इन. और जो व्हाट्सएप का क्वेरी नंबर है, आई पर्सनली हैंडल दैट नंबर. और मेरा फुल फोकस ये रहता है कि जितनी ज्यादा मैं क्वेरी सॉल्व कर सकूं उतनी कर सकूं. कई बार एक दो क्वेरीज छूट जाती है तो मैं बच्चों को बोलता हूं दोबारा भेज दो यार, मेरे फोन से स्किप हो गई है. तो जैसे व्हाट्सएप का क्वेरी नंबर है, अगर आप देखो आज की जो क्वेरीज है वो क्वेरीज मेरी पेंडिंग है. इस क्वेरी नंबर पे आपकी सारी क्वेरीज है विद स्टूडेंट्स सेंड एंड आई ऑलवेज एड्रेस देम. बस यस, कई बार अगर क्वेरी छूट गई है आप उसे वापस भेज दीजिएगा, आई विल एड्रेस इट अगेन देन. नेक्स्ट, तो क्वेरीज को लेके बिल्कुल रिलैक्स रहना है. हमारा फुल फोकस रहेगा कि आपकी कोई भी क्वेरी अनरिजॉल्व ना हो पाए. अगर रह जाएगी आप उसे वापस भेज दीजिएगा, अगर गलती से रह गई है विल एड्रेस इट. नेक्स्ट, फिर एक बात आती है सर टेस्ट कैसे होंगे. तो यार हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है. उस टेलीग्राम चैनल पे हम रेगुलर कंटेंट डालते रहते हैं सिलेबस से रिलेटेड, क्लासेस की अपडेट से रिलेटेड. वहां पे आपको टेस्ट पेपर और टेस्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल करा दिए जाएंगे. वंस वी फिनिश अ पर्टिकुलर चैप्टर इन द क्लास, वी विल आस्क यू टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर टेस्ट पेपर. इसके बाद वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस एंड इफ यू हैव एनी डाउट व्हाटसोएवर, एज आई वाज सेइंग, यू कैन गेट इट एड्रेस फ्रॉम मी एट द एंड ऑफ द क्लास और यू कैन गेट इट एड्रेस फ्रॉम मी थ्रू व्हाट्सएप. तो यार थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, जो भी आपके डाउट्स आपको एड्रेस कराने पड़ेंगे और टेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे. अगर आप ये सारा का सारा काम करते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. सी स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हेन आई वाज स्टडीइंग टैक्सेशन वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड इवन आई डिड माय आर्टिकलशिप इन टैक्सेशन. So, I feel very proud in saying that कि मेरे को इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे दोनों में टैक्स में बेस्ट पेपर अवार्ड मिला. एंड आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू रेप्लीकेट दैट परफॉर्मेंस. मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी वही परफॉर्मेंस रेप्लीकेट करें उन्होंने पास्ट में भी की हुई है. देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड एज हाई एज 97 मार्क्स इन टैक्सेशन. देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1. एंड अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था, उस लेटेस्ट अटेम्प्ट में भी वी हैड ऑल इंडिया रैंक 2 फ्रॉम अस, ऑल इंडिया रैंक 4 एंड मल्टीपल अदर रैंक होल्डर्स. And fingers crossed, इस बार का result भी अभी awaited है. So I hope we get all, so many ranks this time around as well. And it is my assurance to you कि अगर आप तरीके से पढ़ते हो, मेरी बताई हुई बातों को अगर आप implement करते हो और अपनी तरफ से proper discipline दिखाते हो, जिस तरह से आप अभी बाकी students के photos यहाँ देख रहे हो और उनके scores देख रहे हो, जैसे हमने उनको prize distribution में बुलाया था और prizes देके उनको felicitate किया था उनके parents के साथ, वो दिन भी दूर नहीं है कि फिर आप लोग भी यहीं पे होगे, आपकी फोटो भी यहीं पे होगी, आपके मार्क्स भी यहीं पे होंगे. एंड इन द नेक्स्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज टू कम, यू विल बी देयर अलोंग विद योर पेरेंट्स, वेयर वी विल बी फैसिलिटेटिंग यू. और आपने जो भी एफर्ट्स डाले अपने करियर के लिए, वी विल बी अप्रिशिएटिंग दैट. सो विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. द न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन 21st फेब, मंडे. स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे आपको लाइव भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे फॉर योर व्यूइंग. आप एक बार उनको देखना चाहे देख सकते हैं. देन यू कैन टेक अ कॉल विद रिस्पेक्ट टू योर डिसीजन कि आपको क्लासेस कौन से मोड में लेनी है, कौन से मोड में नहीं लेनी है, कि आपको गूगल ड्राइव ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, फेस टू फेस ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, लाइव एट होम फील होगा. लेकिन हाँ, टैक्सेशन की क्लासेस के लिए बिल्कुल भी आप देरी नहीं करोगे. टैक्सेशन जो है वो सबसे हैवी सब्जेक्ट है आउट ऑफ द 8 सब्जेक्ट्स दैट यू हैव एट सी इंटरमीडिएट. सो नाउ यू शुड गियर अप. आपके हफ्ते से ऊपर हो गया फाउंडेशन का रिजल्ट आए हुए, यू शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम फर्दर एंड यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर इंटरमीडिएट लेवल. बिकॉज जितना मजा है फाउंडेशन के रिजल्ट को पास देखने में आता है, उससे कहीं ज्यादा मजा इंटरमीडिएट के रिजल्ट को पास देखने में आता है. और जब इन स्टूडेंट्स की तरह आप रैंक लेके आओ तो मजा और भी ज्यादा आता है. जितना मजा आपको आता है उससे ज्यादा अच्छा आपके फैमिली मेंबर्स को लगता है. तो विद दिस थिंग्स इन माइंड, विद दीज मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन योर माइंड, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सी इंटरमीडिएट जर्नी. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.